हेलो गुड इवनिंग ऑन पैसिव फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, ये एक यूट्यूबर हैं, उनका सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मेरी कोशिश है और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि वीडियो उन तक पहुंच जाए। आप सभी को पता है वो वीडियो आपने देख भी लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। वेल ऑब्वियस, आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। उन्होंने कुछ सवाल बोले हैं। सबसे पहले उनका सवाल था, उन्होंने फाउंडर्स को बेवकूफ बोला, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो जो भी उनके सवाल थे सभी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला कि फाउंडर की एक पदवी है, उसको कोई भी हासिल कर सकता है। ये कोई प्रेसिडेंट की चेयर नहीं है कि ये लोगों को ना मिले, ये एक फाउंडर की पदवी है, इसको कोई भी बंदा हासिल कर सकता है। तो मैं उन यूट्यूबर महाशय को एक ही जवाब देना चाहता हूं, यदि आपके अंदर गट्स है, यदि आपके अंदर हिम्मत है, तो आप प्रेजेंट की डेट में 9 दिसंबर 2023 की डेट में आप फाउंडर्स की पदवी मेरे को कंपनी से लेके दिखा दीजिए। यदि आप फाउंडर्स की फाउंडर पोजीशन की यदि आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इस फाउंडर पोजीशन को आज की डेट में आप लेके दिखा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पदवी है। इसकी क्या वैल्यू है आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरा उन्होंने सवाल बोला कि उन्होंने onpassive.com को विजिट किया और उन्होंने बोला कि यदि मैं कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाता हूं तो मुझे यहां पे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई भी नंबर दिखाई नहीं देता। तो दुनिया में पता नहीं ऐसी कितनी कंपनी है, कोविड के बाद से ज़्यादातर कंपनियों ने अपना जो टेलीकम्युनिकेशन है, जिससे जो बातचीत का जरिया है, जो फ़ोन कॉल थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ने अब वहाँ से हटा दिया है। ऑन पैसे भी नहीं, बहुत सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। यदि आपको उनसे बात करनी है, यदि आपको सिस्टम से बात करनी है, यदि आपको मैनेजमेंट से बात करनी है, तो support@onpassive.com पे जाके आप बात कर सकते हैं। यदि आप कंपनी का वेबिनार अटेंड करते हैं, अब तो कंपनी ने खुली अपॉर्चुनिटी दी है, कंपनी ने एक लिंक दिया है, क्रिश जॉनसन मार्टिन सर का एक लिंक है, आप अपनी डिटेल्स वहां पे सेंड कीजिए और कंपनी के लाइव वेबिनार का हिस्सा बनिए। यदि आपके मन में कुछ डाउट है, यदि आप कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कंपनी के ऑफिस के बारे में पूछना चाहते हैं, कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये आप पूछना चाहते हैं, तो वेल ऑब्वियस आप उसको मेल करिए। आपका मेल का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, आप उस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आपको ऑन पैसिवियन से बात करनी है, यदि किसी बड़े लीडर से बात करनी है, तो इस सवाल का जवाब भी शायद ये सवाल आपको मेरे को तरफुल नहीं लगा। और रही बात फाउंडर्स को बेवकूफ बोलने की, तो 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स, इसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी शामिल हैं, टीचर्स, डॉक्टर, हाउसवाइफ, पता नहीं कितने लोगों का ब्लाइंड फेथ है ऑन पैसे पे। मिस्टर ऐश शफारी पे फेथ है और फेथ की वजह से ही, विश्वास की वजह से ही फाउंडरशिप ली है। उन्होंने एक बात और बोली कि पहले तो आपने $97 दे दिए, अब आप $93 दोबारा से पे कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये बेवकूफ वाली बातें नहीं है। हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि फाउंडर पोजीशन के लिए हमें $97 देने हैं और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट आएंगे उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हमें पे करनी है। तो ये सारी की सारी बातें हमें पहले से पता था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने, हमने ऑलरेडी सूचित कर दिया था कंपनी ने कि जो प्रोडक्ट जब बाजार में आएंगे तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। तो फाउंडर्स बेवकूफ नहीं है, फाउंडर्स बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार है। हाँ, बस एक चीज की कमी है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर डिले का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फाउंडर्स को बेवकूफ बोलेंगे। तो ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए जिन लोगों ने फाउंडर्स को बेवकूफ बोला है। एक बात और बोली है उन्होंने मर्चेंट को लेकर कि हम अमेजोन पे 10 बार पेमेंट करते हैं, हमारा जो कार्ड है वो फ्लैग नहीं होता है, हमारा कार्ड फ्रॉड की लिस्ट में नहीं जाता है। बट फ्रेंड्स, अमेजोन का खुद का पेमेंट प्रोसेसर है, उसी पेमेंट प्रोसेसर के जरिए अमेजोन काम कर रहा है। बट ऑन पैसिव का अभी खुद का पेमेंट प्रोसेसर नहीं है। जिस दिन ऑन पैसिव का सेल्फ पेमेंट प्रोसेसर होगा, जैसा मिस्टर एशफारे ने बोला था, हमने एक से ज्यादा पेमेंट प्रोसेसर तैयार कर लिए हैं,
जिस दिन ऑन पैसिव का सेल्फ पेमेंट प्रोसेसर सिस्टम आ जाएगा, ऑन पैसिव का डेटा सेंटर आ जाएगा, उस दिन ऑन पैसिव को किसी भी मर्चेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल ऑन पैसिव एक मर्चेंट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सारा का सारा पैसा मर्चेंट को जा रहा है और वो मर्चेंट है वो किसी अलग जगह का है और ऑन पैसिव जो है यूएसए की कंपनी है। तो इसमें कोई भी होपचोप वाली बात नहीं है, मर्चेंट कहीं का भी हो सकता है, कंपनी कहीं की भी हो सकती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बोली है उन्होंने, ऑन पैसिव को MLM बोला है। तो फ्रेंड्स, आप और मैं शायद इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि ऑन पैसिव एक MLM कंपनी नहीं है, ऑन पैसिव एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। वो फाउंडर्स को एक सर्विस प्रोवाइडर पैनल प्रोवाइड कर रही है, जिसके जरिए जो अफिलिएट कमीशन जो जनरेट होगा वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पैकेज को बाई करेंगे और उससे अपना अफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये चार पाँच सवाल उनके थे जिनको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया, तो शायद ये सवाल उन तक पहुंचने चाहिए। आप उनकी वीडियो पे जाके कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट वाला जो ऑप्शन है वो बंद किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि फाउंडर किस तरीके के कमेंट करने वाले हैं। तो वेल ऑब्वियस फ्रेंड्स, ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। इनमें कुछ दो तीन सवाल थे उनके, उन सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।